नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फंक्शन गिवन है एक, उसको हमने सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ठीक है, स्टेप वन में हमने क्या पढ़ा था, वाई पहले फंक्शन लिख दिया, स्मॉल चेंजेस जो हैं डेल्टा वाई, वाई में डेल्टा वाई ऐड करना और एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना, वही किया हमने। लिखेंगे लेट डेल्टा एक्स बी एन इंक्रीमेंट ऑफ एक्स एंड डेल्टा वाई बी द इंक्रीमेंट ऑफ वाई। वाई में डेल्टा वाई प्लस कर दिया और एक्स में डेल्टा एक्स प्लस कर दिया, एक्स में डेल्टा एक्स प्लस कर दिया। इसको नंबर दे दिया वन, इक्वेशन नंबर वन, ये बन गई इक्वेशन नंबर टू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सॉल्व करना। अब इसको पहले ये सेम लिख दिया टर्म, ए प्लस बी की होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्री एक्स, थ्री मल्टीप्लाई बाय डाटा एक्स थ्री डाटा एक्स, इक्वेशन नंबर इसको देना टू ऊपर वाली को। अब सब्ट्रैक्ट किया हमने, या फिर इसको भी दे सकते हो, इसको रहने दो। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट किया वन और टू को, वन और टू को हमने किया सब्ट्रैक्ट। कैसे करेंगे, ये टर्म सेम लिख दी माइनस ऑफ वाई, अब ये वाली सारी टर्म सेम लिख दी, सारी यहाँ तक सेम लिख दी, माइनस किया इसको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आ गया। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, थ्री एक्स से थ्री एक्स कैंसिल, इधर वाई से वाई कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स थ्री डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा सॉल्व करने पे, थर्ड स्टेप डिवाइड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स के साथ क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड लिख दिया, इसको कर दिया डिवाइड डेल्टा एक्स के साथ, इस पूरी वाली इक्वेशन को कर दिया डिवाइड डेल्टा एक्स के साथ, ये सेम टर्म लिख दी। अब डेल्टा एक्स जो है सबके साथ डिवाइड हो रहा है, सेपरेट कर दिए, ओवर ओवर जो है सेपरेट कर दिया, डेल्टा एक्स इसके नीचे भी आ गया, डेल्टा एक्स जो है इसके नीचे भी आ गया और डेल्टा एक्स जो है इस वाले टर्म के नीचे भी लिख दिया, इसके साथ ये कैंसिल, डेल्टा एक्स कैंसिल, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स यहाँ से कैंसिल, क्या बच गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, टू डेल्टा एक्स से यहाँ पे कटिंग होके एक आ गया, डेल्टा एक्स कटिंग हो गई, क्या बच गया 2x, कैंसिल आउट हो गए 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसमें रूल में पढ़ो, नेक्स्ट स्टेप में बोला है कि टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब दोनों तरफ लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 इसकी तरफ और इधर भी हमने लिमिट ले ली डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, रूल में हमने पढ़ा डी वाई बाय डी एक्स लिख दिया, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे 0 फिल करेंगे 0 आ जाएगा, तो क्या बच गया मेरे पास डेरिवेटिव 2x प्लस 3, क्या आंसर आ गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3।